प्रजनन के बाद तैयार होने में बहुत ज्यादा वक्त लगाने वाली मादा। बच्चा इधर इतना डांस कर रहा है। शिवाजी राय। What's up guys, welcome to LOL Life of Limbachas। और आज मैंने व्लॉग चालू कर दिया है क्योंकि भारती तैयार हो रही है और आपको पता है कि बीवियां तैयार होने में कितना टाइम लेती हैं। वो एक मादा है, प्रजनन के बाद तैयार होने में बहुत ज्यादा वक्त लगाने वाली मादा। और ये मेरा शिशु है, एक नवजात है और ये चेताचा खेल रहा है। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पापा पापा बोलता है। पहले जब पापा बोलता था तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि अरे पापा बोल रहे हैं, लेकिन अब शायद मेरे लिए आम हो चुका है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि पापा बोला तो ऐसा मन में ऐसा घंटी नहीं बजती है, तो आई थिंक बहुत कॉमन हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि ये हाई टाइम है गोला को मम्मी बोल देना चाहिए। पता नहीं दोस्तों, जब से मैं व्लॉग बनाने लग गया हूँ और ये व्लॉग मैंने चालू किया है, ये भारती उखड़ी रहती है, बोलती नहीं है। भारती को देख के पापा बोलता है। भारती, पूरा देश, पूरी दुनिया सब ये जानना चाहते हैं कि गोला मम्मी कब बोलेगा। भारती बताओ, गोला मम्मी कब बोलेगा? क्योंकि अभी जो पापा बोल रहा है ना, ये पापा 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 बहुत कॉमन हो चुका है मेरे को लग रहा है। तो कब बोलेगा? ये हाई टाइम है गोले को मम्मा बोलेना चाहिए। मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन गोला इस बात पे कोई भी सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहोगे? हाँ बेटा, पापा पापा यही तो मुद्दा चल रहा है आज के ब्लॉग का, यही तो मुद्दा है। कोई बात नहीं, आज पापा के बेटे को दो इंजेक्शन ठोकेंगे, वो भी इसकी थाइस पे। पापा ही पकड़ेगा यार। आज मेरा इसलिए मूड, मैं व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे सुबह से टेंशन है कि गोले को इंजेक्शन लगेंगे, फिर आज मैं रो पड़ूंगी। लेंस लगाए हैं तो लेंस की चिंता है, बेटे की नहीं। नहीं, लेंस की चिंता नहीं दोस्तों। बस गाइस। आई थिंक बहुत गलत बात बोल दी है। देखिए दोस्तों, इसको इतने साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग में लेकिन इसे पता नहीं है, एल नहीं दबाते हैं, P1 दबाते हैं, और आपने एल दबा दिया। फालतू की बातें जितनी मर्जी हर्ष से करवा लो, लेकिन मैं पते ही बात करती हूँ कि आज गोले का इंजेक्शन है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर विनीत समदानी। वो फिर से मेरा बच्चा रुलाएंगे और फिर बिल भी लेंगे पूरा। पांडे जी आ चुके हैं और पांडे जी का दोस्त शांडे जी उसके साथ है। हाय गोले, बोले पांडे जी कहाँ है? बोले पांडे जी कहाँ है? हाँ खुशी, हाय हाय। सो आज हमारे मेरे पति डेढ़शानी ने कहा है कि वो गाड़ी खुद चलाएंगे। हाँ जी, डेढ़शानी नहीं, मैं गाड़ी में जब होता हूँ तो मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, ये मेरा रूल है। आई थिंक हर आदमी को ये रूल रखना चाहिए। कितना खुश है? हाँ गोला तो बहुत ज्यादा खुश है, इसको पता नहीं कि इसके साथ फिर से क्या होने वाला है। इसको खुशियाँ दो, इसको टाउन जाते तक खुशियाँ दो। लेकिन टचवुड, गोला इतना ज्यादा प्यारा और अच्छा बच्चा है, स्ट्रांग बच्चा टचवुड, क्योंकि इंजेक्शन लगे वो आधे घंटे में भूल जाता है। गाड़ी में बिठाओ, पांडे जी मिल गए, उसको जिंदगी की और कोई कुछ नहीं चाहिए, बस पांडे जी, गाड़ी और दूध और रूपा दीदी और मम्मी और डैडी और घर, बहुत ज्यादा ही। हाँ तो मतलब यही सब चाहिए उसको। बाल ना खराब कर बैठा, जो ये पतला लड़का बैठा है ड्राइवर, इसका नाम आप सुनोगे ना तो आप इसका नाम सुनोगे तो एक साथ आपका ऐसा निकलेगा। आप बताओ इसका नाम, ये पतले लड़के का नाम क्या हो सकता है? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, रॉकी, राहुल, जितेंद्र या शत्रुघ्न। खामोश। बताइए क्या नाम होगा? शत्रुघ्न को जल्दी सुंदर लड़की मिलेगी शादी के लिए। शादी हो गई तो फिर बोल क्यों नहीं रहे, कब से मजे ले रहे हो? तो जब लड़की की बात की तो आप खुश कैसे हो गए? अरे लड़की की बात पे जब हमारे सर खुश हो जाते हैं तो हम तो फिर भी अरे सर तो है ही शौकीन। ओह नो भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कट कर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने कैप ठीक नहीं की थी। मैं नहीं कट करती भैया। सो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि आज का मेरा प्लान क्या है। मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर इंजेक्शन लगेगा गोले को, फिर मैं थोड़ी सैड हो जाऊंगी, शायद मेरा रोना भी निकल जाए, और रोना तो निकलता ही है, ये तो मेरे से शर्ट लगा लो आप हार जाओगे, मेरा रोना निकलेगा। सो और उसके बाद मैं जाऊंगी पलेडियम अपने बेटे के साथ। अपने बेटे के साथ? और मैं नहीं आऊंगा। हाँ तुम तो हो ही ना साथ, गाड़ी कौन चलाएगा?
शत्रुघ्न तो गेस्ट है ना वहाँ। सो प्लेडियम जाएंगे, फिर मैं पपाया में कुछ खाना चाहती हूँ, पपाया में सुशी जैसी चीजें खा सकती हूँ क्योंकि आज वेनेसडे है। हाँ, तो वो खाऊंगी, फिर मैं शॉपिंग करूंगी अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। फिर ये लड़का मेरे साथ ही होगा, बैग बुक पकड़ लेगा, लड़के तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो अभी। फिर ना मैम को उधर कहना घर आके कि मैम ने कुछ लेके नहीं दिया। लड़के मैम आज तूने ये बोल के ना भारती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं हल भी मार सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। कुल्हाड़ी क्या, हल भी मार। आज मैं तुझे कोई गिफ्ट देने वाला था लेकिन मुझे इस बदतमीजी की वजह से तूने वो गिफ्ट खो दिया। क्या है वो? इस बदतमीजी की वजह से तूने वो गिफ्ट खो दिया है और अब तुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अब तू खाली हाथ गई थी और खाली हाथ आएगी, जैसे सिकंदर आया था दुनिया में खाली हाथ, और खाली हाथ गया था। क्या गिफ्ट था बोलना? इसने जान के ऐसे किया ताकि मैं इसका इस व्लॉग का हीरो इसको बनाऊं। कुछ नहीं, इस कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखना व्लॉग जब वापस आएंगे ना, सबसे ज्यादा थैले किसके होंगे? मिस्टर हर्ष लिम्बाचिया के। और मेरा मैं आज गारंटी देता हूं कि भाई आज मैं एक भी चीज नहीं खरीदूंगा, नो शॉपिंग एट ऑल, बस। और मैं खरीद सकती हूँ? वो तुम्हारी मर्जी यार, मतलब तुम लेके दोगे ना मुझे? हां मैं क्यों लेके दूंगा? हो गया। कितना अच्छा है यार, आप सब कहते हो कि सो क्यूट। चलो गाइस आप भी देखते रहिए, भारती को एक बहुत कमाल की चीज मिलने वाली है जिससे आप भी एक्साइटेड होने वाले और भारती भी एक्साइटेड। ठीक है बता दो। ये मुझे सबसे बुरा मोमेंट लगता है डॉक्टर के पास में जब आती है। डॉक्टर के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, चीजें समझना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं पूरा महीना रोऊं ना रोऊं, लेकिन जब मैं डॉक्टर विनीत के पास आती हूँ तो उनका प्रॉमिस होता है कि तुझे रुला के ही भेजूंगा। इतनी कितने लगाए इंजेक्शन डॉक्टर? देखो मेरा एक ही कहना है डॉक्टर, आप खुद भी एक पिता हो, एक बाप हो, आपने अपने बच्चे को लगाए थे ऐसे इंजेक्शन? हमेशा खुद लगाए? नहीं खुद लगाए थे, किसी को? नहीं खुद ही लगाता हूँ। तो आप रोते थे लगाते वक्त? अगर तुम आते समय रोती हो वो क्योंकि तुम हर्ष के साथ आती हो, और जब अकेली आती तुम हंस रही हो। आपका ब्लॉग के समय देखे आवाज पे मेरा बच्चा। गोले आपको टाटा कर ले बच्चे, बाय कह दो गोले, बाय कह दो, बाय। सो मैं आ चुकी हूँ और ये एक दूर 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 से मेरा वीडियो बनाई जा रही है हर एंगल से। हाँ जी, कितने फोटो खींचोगे? 3 फोटो 2 किलो सब्जी फ्री। मुझे दो ना भाई करेला दो। देखिए ये हमारे प्रभु देवा जैसे दादा ने कहा है कि ये हमें डिस्काउंट करेंगे। एक ये दे दो, ये रणवीर सिंह दादा ये दे दो एक। ये मैं कब से कह रही थी मूली 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 का मालिक कौन है, तो ये 20 मिनट बाद दादा है, कहते मैं हूँ मालिक। मूली कैसे लगाई? 40 रुपए। मूली कैसे लगाई मतलब उगाई कैसे पूछ रही हूँ? खेत में से खेत। और कितने की है? 40 रुपए। इतनी महंगी मूली पांडे जी? अरे गर्दन क्या हिला रहे हो, कुछ बोलो भाई। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग। 200 रुपए मेरा बन रहा है, 60 रुपए ले रहे हैं लोग, मजा आ गया। मैं 10 रुपए 20 रुपए उधर तो 40 डिस्काउंट दिया मैं। भाई थैंक यू सो मच, मैं हर बार आपसे ही लेने आऊंगी। क्या नाम है आपका? शिवाजी राय। क्या क्या क्या? शिवाजी राय। शिवाजी राय, क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं मैम। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? छोटा गाड़ी, मोटा गाड़ी, छोटा। सब्जी सब्जी लेके आते हैं जी। कौन सी सब्जी? दादा आपको पता है आपके पास बहुत पैसा है, पूछो कैसे। कहाँ से? दांत देखो कितने खुले हैं आपके, मेरी तरह पैसे है। कहाँ है पैसे बताओ? पैसे मेरे कहाँ है? पैसा नहीं है, खत्म हो गया पूरा। क्यों, कहाँ क्या किया पैसे का? पूरा तो खत्म हो गया खर्चा में। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मैम। और बीवी? झूठ, 2 तो नहीं आएगा, एक ही है। एक? सॉरी। चलो सॉरी नहीं भाई, यही होता है, सॉरी नहीं, एक ही बीवी 2 बच्चे होते हैं। मैंने भी कसम खाई है कि मैं वीडियो बनाने से पहले ना अपना मुंह सवारूंगी ना बाल ठीक करूंगी। ये गिफ्ट देना था हर्ष, तूने मुझे सब्जी मंडी पे खड़े कर दिया और ये ले ले मूली ले ले प्याज ले ले पत्ते वाले, ऐसे हो रहे वो लोग मुझे देख रहे हैं, देखो कैसे चाय पी रहे और देख रहे हैं मुझे, देखो आंटी भी देख रहे हैं। हाय आंटी, क्या बोले? भारती है, आप नहीं है? अरे यार ये तो भारती जैसा है, भारती मोटा है ना इसलिए लगता है। ये बाप बेटा यहाँ पे मस्तियाँ मार रहे हैं और हम, मैं इधर भारती का शारती हो गया, रूपा का शूपा हो गया, पांडे जी का शांडे जी हो गया। इतनी गर्मी लेकिन हर्ष
जो प्यार मिला है मुझे इस गर्मी में तू वो ले ही नहीं सका और तू अंदर आ गया अपने बेटे मैं अपने बच्चे का प्यार ले रहा था। तो भैया ये वाला जो बालक है छोटा सा बालक ये मान नहीं रहा है और इसको अभी आगे आना है। दे दो दीदी दे दो। और रोए जा रहा है रोए जा रहा है। आजा 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 खुश देखो खुश 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 देखो 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 ये देखो कितना चालाक माँ पे गया। तो भैया हम आए हैं यहाँ पे पलेडियम में और यहाँ पे मैं भारती को गिफ्ट लेके देने वाला हूँ और वो गिफ्ट बहुत अच्छा है। गिफ्ट देखा आपने अभी लिए मैंने आधा किलो करेले दो लौकी एक गोभी का फूल। वो गिफ्ट नहीं है दूसरा है पता था वो शॉप में जाके शायद ब्लॉगिंग के लिए कुछ कमाल की चीज मिलने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक प्लान था हर्ष का झूठ। मुझे बोलता है कि तुझे गिफ्ट लेके देता हूँ पलेडियम से। आपको फोन किया था इसने? किया था भाई। कोई कैमरे के बारे में पूछा था? बहुत मेहनत करवा रहे हैं, चेक करा रहा हूँ आपके लिए। आपकी आवाज थोड़ी कांप रही है उसमें आपकी आवाज में झूठ दिख रहा है मुझे। अब आए हैं निराश होके जा रहे हैं। तो आपकी बीवी भूखी होगी तो आपको उसे खाना खिलाना ही पड़ेगा और मैंने भी वही किया। बात ही नहीं करने वाली। क्यों नहीं? क्या हो गया? तू जो झूठ बोल के लाया है ना मुझे। क्या झूठ बोल के लेके आया? ये और मैं बचपन में एक साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़े मुझे अभी मिले। आप बच्चा पैदा कर सकते हो? रॉड है आपके पास उसको जरा गरम लाल करके ला दीजिए। टोमियम सूप में डाल के इनको मारूंगी मैं। सो मैं अंदर जारा में थी शॉपिंग कर रही थी अचानक हर्ष का फोन आया कि फटाफट आ जा बर्बरी में। तो मैं बर्बरी में जा रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे कैमरा नहीं मिला यहाँ से मुझे ड्रेस टी शर्ट या फिर पर्स तो मिलना ही मिलना है। पति के साथ आओ और अगर मिले ना तो ऐसा। अरे भाई इधर शर्ट्स देखने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए शर्ट देखो और ऊपर तुम अपने लिए शर्ट। आपकी हो गई शादी? हो गई मैम शादी। तभी उदास हो इधर मैं इसको डराती हूँ अभी। इसका बिल कर दीजिए हर्ष। ये लिया मैंने सस्ता है यार। किसको बेवकूफ बना रही है भारती? एक मिनट एक मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि तो एक मिनट कपड़ा अच्छा, नहीं कर सकता बिलीव भाई। इनके होश उड़ाओ जरा बताओ जरा। ले लिए इन्होंने ले लिए कर दो भाई बिल कर दो। इम्पॉसिबल है। अरे क्या हो गया? इम्पॉसिबल है। अरे डर ही गए वही। चल ठीक है ठीक। ये क्या हम का करे घर जाना दाल भात खाएंगे। बच्चा मैं चला रहा हूं ना गाड़ी। पापा खुश। मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन माँ के बारे में किसी ने सोचा नहीं कि आप झूठ बोल के लेके। अरे माँ के बारे में हमने बोला उस तेरे सामने है कि वहाँ पे नहीं है वो चीज तो मैं क्या पैदा करूँ। सो ट्रस्ट की एक हद होती है जो मेरा तोड़ दिया हर्ष ने। मेरे से तो ये उम्मीद ही नहीं थी हर्ष। क्या उम्मीद नहीं थी? छोड़ यार तू खुद दुकान में आई है वो दुकान वाले ने सेम तेरे मुंह पे तेरे को मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि नहीं है मैडम। और वो हंसी जा रहा था दुकान वाला। एक्चुअली मैं 3-4 मिनट बाद आई हूँ। इसने पहले ही उसको जाके ना गुजराती में कह दिया होगा तने ना हूँ कहू छू मारो मारो गाइस एक सेकंड के सामने तुम कहू छू के मैं फोन की उची। सबसे पहले तो वो बंदा गुजराती नहीं था वो बंदा मराठी था तो हमारा गुजराती कनेक्शन उस आदमी के साथ था ही नहीं। रही बात तेरी तो तुझे मैं बोल रहा हूँ कि तेरा कैमरा जो है ना वो आ जाएगा। कल चाहिए तेरे को? कल चाहिए कल मिल जाएगा। नहीं भाई थर्माकोल से जोड़ के नहीं देना असली कैमरा चाहिए मुझे। असली कैमरा ही मिलेगा यार ये क्या बात हुई? इतनी दूर टाउन जाना आते इतना ट्रैफिक मुझे कुछ होने लग जाता है। और क्या लाए? ये नहीं बहुत सारा सामान लेके आई है बहुत सारे कपड़े लेके आई है ये औरत। ठीक है उसका भी उसने ब्लॉग बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। अरे यार अब तू माए भारती। चलो जी थैंक यू सो मच। आज धोखे भरा व्लॉग रहा हर्ष का। हर्ष ने दिया भारती को धोखा। धोखा धोखा। तो चलिए कल मिलते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और बस चैनल सब्सक्राइब करते ही आप अपने पति को पप्पी कर देना। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम लोला फ्रॉम लंबाचिया। आगे वो टिनटिन को क्या करो वो बहुत लोगों को पसंद आया। आई क्या वो टिनटिन वाला गंजी बस्ता है उसे लगा देते हैं। बाय 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 गाइस पीस आउट।